विश्व मानचित्र पर एक अलग पहचान रखने वाला राजस्थान, एक ऐसा प्रदेश जो अपने ऐतिहासिक स्मारकों, कलात्मक राजभवनों, भव्य किलों और इनसे जुड़ी शौर्य गाथाओं एवं सदियों पुरानी पर आज भी उतनी ही प्रचलित और पूर्णतः संरक्षित सांस्कृतिक धरोहर और लोक कला के चलते विश्व विख्यात है। इतना ही नहीं बल्कि भारत का ये मरुप्रदेश अपनी विविध भौगोलिक परिदृश्य एवं संपन्न जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ एक तरफ है स्वच्छ जल से लबालब भरी ये मनमोहक झीलें, या फिर हरे भरे पेड़ों से लदे ये मन लुभावन वन और इनमें विचरण करते वन्य जीव, तो वहीं दूसरी ओर है मीलों तक फैले रेत की धोरे और इनके बीच वास करते वन्य जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियां। यूं तो थार का ये रेगिस्तान विश्व का 18वां बड़ा उपोष्णीय रेगिस्तान है, पर 85 लोगों की प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के घनत्व के साथ ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। विश्व के दूसरे रेगिस्तानों की तरह ही इस रेगिस्तान में रहने वालों की जीवन शैली भी सहज नहीं है। एक तरफ चिलचिलाती धूप की मार और ऊपर से पानी की किल्लत ऐसी कि सिंचाई तो दूर, पीने का पानी भी मीलों दूर से ढोकर लाना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर रेत उड़ाती आंधियां जो न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच जीवन यापन करना कुछ कम चुनौतीपूर्ण नहीं, पर थार मरुस्थान के ये जियाले निवासी चेहरे पर बिना कोई शिकन लिए सकारात्मक सोच के साथ संघर्षपूर्ण जीवन जीते अपनी धुन में मगन रहते हैं। इन्हीं जियाले निवासियों और अपनी वास और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के कारण ही दुनिया के अन्य रेगिस्तानों के विपरीत राजस्थान की इस मरुभूमि की वनस्पति, पशुधन और मानव संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के निवासियों की प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति आस्था अभूतपूर्व है। हो भी क्यों ना, जबकि इस मरुस्थल और इसके आसपास के क्षेत्र के ज्यादातर निवासी महाराज जम्बेश्वर जी और बाबा रामदेव जी जैसे संतों के अनुयायी हैं। जहां बाबा रामदेव ने सदैव सभी धर्मों, सभी जीवों को समान समझने की शिक्षा दी, वहीं विष्णुई संप्रदाय के जन्मदाता महाराज जम्बेश्वर जी ने तो वन्य जीवों और पेड़ पौधों की रक्षा और संरक्षण को अपने अनुयायियों की धार्मिक आस्था के साथ जोड़ दिया। इसी का नतीजा है कि सदियों पहले जब जोधपुर के राजा अभय सिंह के सिपाही खिजड़ली में पेड़ काटने आए, तो वहीं पास के एक गांव रामूजी खोड़ की ढाणी की निवासी अमृता बेनीवाल ने पहले उन्हें पेड़ काटने से रोका। वो ना माने तो पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ से लिपट गई, पर सिपाहियों ने फिर भी उनकी एक ना सुनी और उसे भी पेड़ के साथ काट डाला, जिसे देख एक के बाद एक विष्णुई संप्रदाय के 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जानें दी। तब जाकर राजा ने ना सिर्फ पेड़ काटने को मना कर दिया बल्कि ये घोषणा भी कर दी कि जहां विष्णुई संप्रदाय के लोग वास करते हों उस क्षेत्र में ना
कभी कोई पेड़ काटा जाएगा और ना ही कभी शिकार होगा। खेजड़ली का यह स्मारक आज भी याद दिलाता है अमृता देवी और उसके साथियों के उस ऐतिहासिक बलिदान का, एक ऐसा बलिदान जिसका विश्व में कोई सानी नहीं। आज भी इस क्षेत्र के लोग पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के प्रति उतने ही दृढ़ संकल्प हैं। तभी तो आज भी इस मरुस्थान में पक्षियों और वन्य जीवों की कई प्रजातियों को खुले में घूमते विचरते देखा जा सकता है, फिर वो चाहे बिश्नोइयों के गांव हो या थार के रेगिस्तान। हिरण और चिनकारा के अलावा यहाँ और भी कई प्रजातियों के वन्य जीवों को यूं ही बेफिक्र घूमते फिरते देखा जा सकता है, जैसे कि विलुप्त की कगार पे खड़े ये डेजर्ट फॉक्स या फिर ये डेजर्ट कैट। If you look at the endangered species found here, among the animals, desert cat is a unique feature. Desert fox, Indian fox. There are some unique snake species also. There is a snake called red-spotted royal snake, which is found only in Jaisalmer in India, which is also rarely seen here. थार के इस मरुस्थान में लगभग सांपों की 25 और छिपकली की 23 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि ये ऊंचे कदकाठी वाली मॉनिटर लिजर्ड। There are many small life forms like gerbils are rodents which live underground, desert monitor lizard and the spiny tail lizard, a reptile, and there is mongoose. There are two varieties of mongoose and another, they call it jaumosa in the local language. It's hedgehog. There are two varieties of hedgehog. They are mostly nocturnal animals, and there is desert hare. Other than that, many vultures, which have disappeared from many parts of India, are surviving in good numbers here. Vultures like Caenarius vulture, white-back vulture, long-billed vulture, and griffon vulture, they are fairly good in numbers in this region. यूं तो यहाँ बाज और चीड़ों जैसे पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियों को भी खुले आकाश में अटखेलियां भरते देखा जा सकता है, पर इस मरुस्थान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा आकर्षण है पक्षियों का राजा, ये गोडावन यानी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये गोडावन धरती पर सबसे भारी उड़ सकने वाले पक्षियों में से एक और भारतीय उपमहाद्वीप में उड़ने वाला सबसे भारी पक्षी है। शायद इसलिए इसको द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम दिया गया है। ऑस्ट्रिच जैसे दिखने वाले ये गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है। सन 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया था, ताकि इस खूबसूरत गोडावन को बचाया जा सके, बढ़ाया जा सके। पूरी दुनिया में सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला गोडावन सबसे ज्यादा राजस्थान में ही देखे जा सकते हैं। ये बेहद ही शांत और शर्मीला पक्षी है। ये ज्यादातर सूखे, निर्जन या अर्ध सूखे घास के मैदानी इलाके, छोटी कांटेदार झाड़ियों के मैदान या फिर ऊंची घास के मैदान जैसी जगहों में ही रहना पसंद करते हैं, जहां ये जरूरत पड़ने पर छुप भी सकें, दूर दूर तक देख भी सकें और अपनी मस्ती में जी सकें। इसीलिए जैसलमेर के ये शुष्क घास के मैदान इनका सबसे ज्यादा पसंदीदा बसेरा है। जिस घास के मैदानी इलाके में कोई नहीं रहना चाहता, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, उन मैदानों को ये गोडावन आबाद करता है, वहां की जैव परिस्थितिकी को बनाए रखता है। गोडावन एक रहस्यमय प्राणी है, क्योंकि जब मानसून आता है तो गोडावन इधर उधर बिखर जाते हैं, परंतु सर्दियां आते ही इनको छोटे छोटे झुंड में देखा जा सकता है, जबकि प्रजनन के समय ये अकेला रहना पसंद करता है। गोडावन की गर्दन
और पैर लंबे होते हैं, जो इसे चलते समय एक अलग ही अंदाज देते हैं। गोडावन अपनी गर्दन 45 डिग्री पर घुमा सकता है। हर गोडावन का सर ऊपर से काले रंग का होता है और बाकी सर और गर्दन हल्के पीले रंग की, जिसकी वजह से गोडावन के सर का काला निशान चमकता है। नर गहरे भूरे पीले रंग का होता है, जिसके सर पर काले रंग की चमकदार पीछे से थोड़ी सी उठी हुई कलंगी होती है। नर की गर्दन आगे से एक थैली की तरह लटकी होती है। नर की ऊंचाई 1 मीटर तक हो सकती है। इसका वजन लगभग 18 से 20 किलो तक होता है। दूसरी ओर मादा ऊंचाई और आकार में नर से छोटी होती है। प्रजनन के समय नर मादा को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के सामने अकड़कर कभी मटककर चलने लगते हैं। मादा को रिझाने के लिए नर अपने फैले हुए सफेद पंखों का प्रदर्शन करता है, पूंछ को पूरी उठा लेता है और अपनी पीठ पे मोड़ लेता है, अपनी गर्दन को पूरा फैलाता है और अपनी गर्दन की थैली में हवा भरकर गहरी गूंजने वाली आवाज पैदा करता है, जो 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ये कई मादाओं के साथ जोड़ा बनाता है। मादा एक बार में एक ही अंडा देती है, बिल्कुल नरम और समतल जगह पर। अंडे सेना, और जब तक बच्चा जवान ना हो जाए उसकी परवरिश की जिम्मेदारी माँ ही उठाती है। गोडावन सर्वाहारी पक्षी है। ये घास में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े या फिर ये सांप, छिपकली, बिच्छू आदि भी खाता है। इसे बेर के फल बेहद पसंद होते हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के घास के मैदानी इलाकों में खूब दिखने को मिलता था, परंतु वक्त बदल गया है। आज ये ज्यादातर राजस्थान में जैसलमेर के थार, मरुस्थान और इसके आसपास के ही क्षेत्र में दिखता है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर इसे देखा जा सकता है। इन लास्ट फ्यू डेकेड्स द बस्टर्ड्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम मोस्ट ऑफ इट्स रेंजेस बिकॉज ऑफ हैवी चेंजेस इन द लैंड यूज। इन दिस पार्ट ऑफ राजस्थान ऑल्सो द क्रॉपिंग पैटर्न, द इरीगेशन, द एग्रीकल्चर, everything has changed completely during last few years, and biggest sufferer was this bird, which is now surviving only in less than 100 numbers. जहां एक तरफ राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर आने की वजह से कृषि भूमि बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ बिजली की बढ़ती जरूरतें और मांग को पूरा करने हेतु बड़ी तादाद में लगाई जा रही पवन चक्कियों के चलते लगातार कम होते घास के मैदानों की वजह से मानव आबादी गोडावन के घर के बहुत नजदीक पहुंच गई है, जिससे इनके घर सिमटने लगे हैं। गोडावन आज विलुप्ति के कगार पर है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने गोडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भीषणतम संकटग्रस्त पक्षियों की रेड लिस्ट में शामिल किया है, क्योंकि पूरी धरती पर ये मात्र 200 से 250 की संख्या में बचे हैं। हालात ये हैं कि 1978 में 745 के मुकाबले आज पूरे राजस्थान में गिने चुने गोडावन ही बचे हैं। इस विलुप्त होते राज्य पक्षी को बचाने के लिए जिन राज्यों में गोडावन पाया जाता है वहां केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट बस्टर्ड लागू कर दिया है, लेकिन राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने गोडावन को बचाने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम शुरू किया हो। रियलाइजिंग द नीड फॉर इमीडिएट एक्शन टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बस्टर्ड, द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट बस्टर्ड इन 2013, व्हिच बेसिकली टुक केयर ऑफ द ब्रीडिंग नीड्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दिस बर्ड लेज एग्स ऑन द ग्राउंड एंड
It has to protect the egg from all sorts of predators, including crows and monitor lizards and even stray dogs. If it leaves the nest for 5 minutes, even for drinking water, the egg will be predated upon. Even cattle or sheep, if it's coming close to the egg, the bird will have to desert the nest. A bird which has already gone down to such a low level, we cannot afford to lose even a single egg. It lays only one egg in a year. So the basic aim of creating closures is to exclude the predators. This is our primary business. Because the population of a bird that has gone down to such a dangerous level, that has to be brought up initially. So presently what we are concentrating on is policing. That will boost up the population of bustards. In every enclosure, there will be a water guzzler, which will provide drinking water for the bird and other small forms of wildlife. And that guzzler is designed in such a way that it doesn't waste any water. It will provide water only in a small tumbler, and if a water level is reduced, only that much of water is released into that. There is a mechanism for that. Our closures are mostly guarded by villagers. We have eco-development committees in these villages. So we provide employment to as many as 20-30 boys from these villages. And along with that, we also realize there is heavy pressure on the grazing land from the villagers. And we have closed so much of land from them. And we provided fodder to these villages so that they don't have to break the closures and leave their cattle inside. They will have to look positively at Desert National Park. Like the Sam Sand Dunes is supporting thousands of people in their livelihood. The tourism has that much of potential. We are convincing these villages that now you protect this bustard, and tomorrow you will see better tourism than most of the tiger reserves and sand dunes coming up. And we are also training them as nature guides, nature interpretation experts. We are also starting staying places, traditional jhopas for tourists. They will also be managed by the villagers, and the entire profit of maintaining that will go to the villagers. This is how we are trying to develop ecologically friendly tourism here. We are supporting the education of the children by providing them computers, and they are bringing them to the mainstream. If they want to move out of that, and if they don't have an opportunity, we will provide them the opportunity. डीएनपी ने हमारे लिए ये कंप्यूटर वगैरह, ये जो अभी कंप्यूटर तो अभी आए हैं, पर उससे पहले जो पुराने पुरातत्व के अवशेष हैं उनको भी बच्चों को दिखाने के लिए पूरे बच्चों को कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर डीएनपी ने हमारे बच्चों को उनके बारे में अवगत कराया. जिस राज पक्षी गोडावन है उसको मैं भी नहीं जानता था, तो इन डीएनपी की मदद से मैंने भी वो राज पक्षी देखा था. मुझे भी बड़ा आनंद हुआ जब उनके दर्शन हुए. कम से कम 8-10 गोडावन के पक्षी बैठे हुए थे इधर टंकी के पास में, सुधारश्री के पास में, तो वो देखा तो मैं भी भाव हुई, तो बड़ा खुश हुआ, बच्चे भी बड़े प्रफुल्लित हुए. कहते हैं ना कि मेहनत का फल जरूर मिलता है. ऐसा ही कुछ राजस्थान वन विभाग के कर्मठ कर्मियों ने कर दिखाया है. इनकी मेहनत रंग लाने लगी है, तभी तो आज गोडावन जैसलमेर के इन धोरों के अलावा आसपास के और क्षेत्रों में भी खूब दिखने लगे हैं, जैसे रामदेवरा के पास के इन घास के मैदानों में. गोडावन के अलावा यहां रामदेवरा के ये घास के मैदान दूसरे वन प्राणियों को भी खूब भा रहे हैं, जिसका एहसास इन वन प्राणियों को यूं चढ़ते विचरते देखकर ही होता है. लास्ट ईयर वी गॉट ब्रीडिंग सक्सेस इन रामदेवरा, विच वॉज नॉट रिपोर्टेड फॉर सो मेनी ईयर्स. सो ग्रेजुअली वी आर गेटिंग मोर एंड मोर रिजल्ट्स, एंड दिस पॉपुलेशन विल डेफिनेटली गो अप. जी हाँ, सच तो ये है कि राजस्थान के दोहरे ही आज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सबसे पसंदीदा और विश्व में एकमात्र प्रजनन स्थली है. ये तो बस अभी शुरुआत है, मंजिल अभी भी बहुत दूर है. सरकार और दूसरी एजेंसियां अपना काम बखूबी कर रही हैं, पर ये अब हम पर है कि हम भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने में अपना योगदान दें और ये सुनिश्चित करें कि गोडावन को न सिर्फ बचाया जाए बल्कि उसे बढ़ाया भी जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनकी ठसक परी चाल का आनंद उठा सकें.